अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम से कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंडिंग कैसे निकाली जाती है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाली जाती है। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टॉपिक है बीकॉम पार्ट वन की अकाउंटिंग में। इसके प्रीवियस लेक्चर को हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम से इन्वेंट्री की एंडिंग वैल्यू निकालना सीखी थी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना सीखी थी बाय यूजिंग द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। तो आज हमारे पास जो सिस्टम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का वो है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, और इस पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से, लास्ट इन फर्स्ट आउट से और वेटेड एवरेज मेथड से हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंडिंग एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना सीखेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालना सीखेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है। जैसे कि हमने परपेचुअल की वीडियो में आपको ये बताया था कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर असल में कोई भी बिज़नेस जो होता है वो इन्वेंट्री का डेली रिकॉर्ड रखता है अपने पास कि डेली कितनी इन्वेंट्री वो परचेज़ कर रहे हैं, डेली कितनी इन्वेंट्री वो सेल आउट कर रहे हैं और डेली कितना बैलेंस उनके पास बच रहा है। इसको डेली अपडेट किया जाता था इन्वेंट्री कार्ड के अंदर। ठीक है, लेकिन जहाँ पर हम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब ये होता है कि इन्वेंट्री को मेंटेन डेली नहीं किया जा रहा, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड जो है वो रोज़ाना मेंटेन नहीं किया जा रहा है बल्कि एट द ईयर एंड, हर साल के एंड में उसको मेंटेन किया जाता है, उसकी वैल्यूएशन लगाई जाती है। अच्छा, वो साल का एंड भी हो सकता है, मंथ का एंड भी हो सकता है, क्वार्टर का एंड भी हो सकता है, सिक्स मंथ का एंड भी हो सकता है, यानी कि पीरियड एंड पर जब इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की जाए कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री पहले से थी, कितनी मज़ीद हमने परचेज़ की और कितनी हमारे पास से इन्वेंट्री बिक गई है, कितनी अब मज़ीद पड़ी हुई हमारे पास, ये सारे काम अगर पीरियड एंड पे किए जाएं ना कि डेली किए जाएं। अगर डेली करेंगे तो ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होगा, लेकिन अगर आप इसको ईयर एंड पे करेंगे या पीरियड एंड पे करेंगे तो ये मेथड बन जाएगा, सिस्टम बन जाएगा, सॉरी आपका पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम। तो क्वेश्चन है, टिप टॉप कंपनी यूजेस पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, द बिगिनिंग इन्वेंट्री बैलेंस ऑफ वन आइटम ऑन फर्स्ट जून एंड परचेजेस ड्यूरिंग द मंथ आर एज फॉलोस। तो फर्स्ट जून पे इन्वेंट्री का बैलेंस आ गया आपके पास, 8 जून पर परचेजिंग हुई है, 14 पर परचेजिंग हुई है, ये 10,000, 15,000, 18,000 ये सब हमारे यूनिट्स हैं यानी क्वान्टिटी, कि इतनी इतनी हमने इन्वेंट्री परचेज़ की है। एट द रेट का मतलब क्या है कि एक का रेट, एक यूनिट का रेट यहाँ पे 22 है या 26 या 28 या 29, और 27 जून पर जो परचेज़ हुई है 5,000 यूनिट है एट द रेट ऑफ 30। अच्छा जी, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 35,000 यूनिट्स वर सोल्ड एट द रेट ऑफ 30 रुपीज़ पर यूनिट। अब ये जो 30 रुपीज़ पर यूनिट है और यहाँ पर ये जो रेट दिए हुए थे, ये वाले रेट में और ये वाले रेट में फ़र्क है। ये जो रेट दिए हुए हैं ये हमारी कॉस्ट है, एक यूनिट की कॉस्ट है ये रेट, और ये जो 30 रुपीज़ है ये हमारी सेलिंग प्राइस है कि हमने एक यूनिट कितने 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 में ख़रीदा, यहाँ वाले रेट ये बता रहे हैं, और ये जो सोल्ड के आगे लिखा है 30 रुपीज़ पर यूनिट, ये हमारा सेलिंग प्राइस है एक यूनिट का। ठीक है जी, रिक्वायरमेंट में लिखा है डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड, कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अंडर फीफो लिफो एंड वैम, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड वेटेड एवरेज मैथड। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री अंडर फीफो लिफो एंड वैम, यानी कि जितने यूनिट बेच रहे हैं उनकी कॉस्ट भी निकालें फीफो लिफो वैम से, और जो बच गए हैं एंडिंग इन्वेंट्री में उनकी भी कॉस्ट निकालें फीफो लिफो एंड वैम में। हमारे पेपर के अंदर यही दोनों चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड पे लिखा है प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड ऑन 30 जून 2030 टू डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये तो था क्वेश्चन। क्वेश्चन की सॉल्विंग कुछ इस तरह से शुरू होती है पीरियोडिक सिस्टम के क्वेश्चन की, कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें बनाना होता है शेड्यूल ऑफ टोटल कॉस्ट, ऐसा शेड्यूल बनाना पड़ता है जिसके अंदर हम अपनी सारी इन्वेंट्री को शो करते हैं और सारी इन्वेंट्री की कॉस्ट को शो करते हैं, यानी पहले से कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई थी और बाद में लाइन से आपने जितनी परचेजेस की हैं वो सारी परचेजेस आप लाइन से लिख दें और उनका टोटल कर लें कि भाई आपके पास टोटल अवेलेबल इन्वेंट्री कितने की थी, कितने यूनिट थे, तो वो हमारा कहलाता है शेड्यूल ऑफ टोटल कॉस्ट। तो आइए सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सर हमारे पास इन्वेंट्री बिगनिंग है, सबसे पहले इन्वेंट्री का बैलेंस दिया हुआ है, फिर हमने परचेजेस की है। ठीक है जी,
परचेजेस हमने ये देख सकते हैं, अब इन्वेंट्री बिगिनिंग बैलेंस के बाद एक दो तीन चार चार मरतबा परचेज की है, तो ये चार परचेजेस के हमने दिखा दिए। यहाँ पे डेट मेंशन कर दें आप, यहाँ पर आ गई 1 जून और यहाँ पर आ गई 8 जून, और फर्स्ट जून 8 जून, यहाँ पर आ गई 14 जून, यहाँ पर आ गई है 22 जून, और फिर आ गई 27। इनका तरतीब में होना बहुत ज़रूरी है। क्वांटिटी रेट और अमाउंट के कॉलम बने हुए हैं। इन्वेंट्री में सबसे पहले यहाँ पे 10,000 यूनिट्स थे, 10,000 की क्वांटिटी थी और रेट था 22 का, ठीक है जी। अमाउंट, अब यहाँ पे अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट कैसे आता है, हमेशा क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं रेट से, ठीक है। तो ये आ जाता है अमाउंट, राइट। परचेजेस में 15,000 की परचेजेस, 15,000 यूनिट परचेज हुए हैं और एक हमने ख़रीदा है 26 में, ठीक है जी। और इसको भी मल्टीप्लाई करवा लें तो ये आ जाएगा 3,90,000। उसके बाद दूसरी परचेजेस में 18,000 यूनिट ख़रीदे हैं 28 रुपये के हिसाब से, तो 18,000 यूनिट 28 रुपये के हिसाब से ये इनको मल्टीप्लाई करवा के इनका अमाउंट आ गया, इनकी कॉस्ट आ गई है। उसके बाद हमने 12,000 यूनिट ख़रीदे हैं 29 रुपये के हिसाब से, 12,000 यूनिट ख़रीदे 29 रुपये के हिसाब से, तो इनको क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करवाया तो 3,48,000 आ गया। लास्ट परचेजेस 5,000 यूनिट की हुई है और उनमें से हर एक को 30 में ख़रीदा गया है, तो ये आ गया 1,50,000। तो हमने क्या किया है कि बिगिनिंग इन्वेंट्री को, सारी परचेजेस को यहाँ पे हमने रख दिया सामने। अब इनका सम अप करने लगे हैं हम। क्वांटिटी का आप सम कर लें, टोटल कर लें। क्वांटिटी का टोटल बना है 60,000, 60,000, 60,000, ठीक है। और इन सब का जो टोटल अमाउंट है उसका भी ग्रैंड टोटल कर लें, 161,200, 161,200। अब इन्हें हम कहते हैं टोटल क्वांटिटी एंड टोटल कॉस्ट। यानी मैं अगर ये 60,000 की बात करूं तो मैं इनको कहूंगा ये टोटल क्वांटिटी है या टोटल यूनिट्स हैं, ठीक है। टोटल यूनिट्स कह लें आप इनको, बात एक ही है वैसे तो। और ये जो 161,200 है ये क्या है, टोटल कॉस्ट है, ठीक है। तो टोटल करने के बाद अब आपने यहाँ पर एक काम करना है कि आपको क्वेश्चन ने ये बताया हुआ है कि 35,000 यूनिट्स बेच दिए गए हैं, तो ज़रा मैं यहाँ पर लेस करवा रहा हूँ यूनिट सोल्ड, क्योंकि मुझे पता लग गया है कि मेरे पास बेचने के लिए 60,000 यूनिट्स थे और मैंने सिर्फ कितने बेचे हैं अभी तक, मैंने बेचे हैं 35,000 यूनिट्स। तो मैं 60,000 में से 35,000 यूनिट्स माइनस करवा दूंगा, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि एट द एंड ऑफ द मंथ मेरे पास कितने यूनिट बच गए हैं। तो ये जवाब आ रहा है 25,000 यूनिट्स, यानी इन्हें हम कहेंगे यूनिट्स एंडिंग। यूनिट्स एंडिंग यानी कि 60,000 यूनिट्स, यूनिट्स की क्वांटिटी की बात हो रही है, तो 60,000 क्वांटिटी थी हमारे पास गुड्स की, उसमें से 35,000 यूनिट्स हमने बेच दिए हैं और 25,000 यूनिट्स एट दी एंड हमारे पास रह गए हैं। तो यहाँ तक बात हो गई है कंप्लीट। अच्छा जी, अब बात ये है कि 60,000 यूनिट्स की जो टोटल कॉस्ट थी वो 16,12,000 थी, ठीक है। ये 16,12,000 थी, लेकिन हमें, हमने जो यूनिट बेचे हैं 35,000, इनकी कॉस्ट हमें नहीं पता कि 35,000 की कॉस्ट क्या थी। 35,000 यूनिट जो हमने बेचे हैं वो हमने कितने के ख़रीदे थे और जो अब एंड पे बच गए हैं वो कितने के हैं, ठीक है। ये हमें दोनों चीज़ें नहीं पता है, इन्हीं दोनों चीज़ों को निकालना है, यूनिट सोल्ड की कॉस्ट और यूनिट्स एंडिंग की कॉस्ट। यही हमारा सबसे मेन टारगेट है। तो यहाँ तक हमने जो काम किया है इसे हम कहते हैं शेड्यूल ऑफ टोटल कॉस्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूजिंग फीफो मेथड, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे चलेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की कैलकुलेशन को मैंने येलो से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। इनको भी मैं येलो कर देता हूँ ताकि डिस्टिंग्विशेबल हो जाए थोड़ा सा, ठीक
येलो वाली वर्किंग जो सारी हम कर रहे हैं वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हम लोग पहले परपिचुअल के अंदर भी पढ़ चुके हैं, जिसका मतलब होता है फर्स्ट इन का मतलब होता है जो यूनिट पहले आया है, फर्स्ट आउट का मतलब होता है बेचा भी उसको पहले जाएगा, ठीक है जी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल पहले आया उसे ही पहले बेचा जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है कि आपने कितने यूनिट बेचे हैं, 35,000। तो 35,000 यूनिट बेचे हैं तो इनकी कॉस्ट आप कैलकुलेट करें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाले मेथड से। फर्स्ट इन का मतलब क्या है कि जो इन्वेंट्री पुरानी वाली है पहले वो आपने बेची होगी, यानी मैं अगर शेड्यूल में देखूँ तो ये जो 10,000 यूनिट हैं पहले ये बिके होंगे, फिर उसके बाद 15,000 वाले में से बिके होंगे, फिर उसके बाद 15,000 में से, फिर 18,000 में से, फिर 12,000 में से, ठीक है। यानी अगर हम ऊपर से बेचते हुए आएँ इस शेड्यूल में यूनिट्स, अगर हम ऊपर से बेचते हुए चलें तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहलाएगा, और अगर लास्ट वाली लाइन से हम बेचते हुए ऊपर की जानिब चलें तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट कहलाएगा। तो कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में यूजिंग फीफो मेथड में हम क्या करेंगे, हम निकालना चाहते हैं सर 35,000 यूनिट कैसे बेचे होंगे। तो 35,000 यूनिट कैसे बेचे होंगे सर, ये जो 10,000 यूनिट नज़र आ रहे हैं पहले तो ये वाले यूनिट आप यहाँ ले आओगे सर, पहले तो यही वाले बेचे होंगे 10,000 यूनिट, ठीक है। उसके बाद 15,000 यूनिट ये वाले बेचे गए होंगे, ठीक है। कितने हो गई, आपने याद रहे यहाँ पर 35,000 यूनिट बिकते हुए दिखाने हैं, 35,000। तो 10,000 आपने दिखा दिए कि सबसे शुरू वाले यूनिट में से गए होंगे, 15 इस वाले में से गए होंगे जो नेक्स्ट हैं, तो ये कितने हो गए 25,000 हो गए, 25। अब कितने रह गए हमारे पास, 10 रह गए, ठीक है। 25,000 हो गए हैं, बस 10,000 यूनिट और हम निकाल के यहाँ से दिखाते हैं सर। ये 10,000 निकल गए, ये 15 निकल गए, बट 18, ये जो 18,000 है इसमें से कितने निकाल के देने होंगे हमने, इसमें से हमने निकाल के देने होंगे कितने, 10,000 यूनिट, ठीक है, जितने हमारे शॉर्ट पड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने 18,000 के पैकेट में समझ लें 10,000 यूनिट निकाल लिए और वो 10,000 यूनिट यहाँ पर आ गए। अब आप ज़रा अपने यूनिट्स की काउंटिंग कर लें, 10,000, 15,000 और 10,000, इन सबका ज़रा टोटल कर लें, आपके यूनिट बनने चाहिए 35,000, ठीक है। तो 35,000 बन गए हैं, तो 35,000 यूनिट हमने यहाँ पर बिकते हुए दिखाए हैं, बस अब इनको हमने इनकी वैल्यूएशन करनी है। अब आप ज़रा सोचें इन 10,000 यूनिट को आपने कितने में ख़रीदा हुआ था, इनका रेट क्या था, 22 रुपया पर यूनिट, ठीक है। और जो ये जो नीचे वाले 15,000 यूनिट थे इनको आपने हर एक को 26 में ख़रीदा हुआ था, तो वहाँ पर 26 का रेट लगाया। और ये जो 18,000 वाले पैकेट में से आपने 10,000 निकाल लिए हैं यूनिट, जो आपने यहाँ पे लिख दिए, इनमें से हर एक कितने का है, 28 का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, इनको वही क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करवा लें, आप क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करवा लें, तो जब 10,000 को 22 से मल्टीप्लाई करवाया 2,20,000 आ गया, 15,000 को 26 से मल्टीप्लाई कराया 3,90,000 आ गया, 10,000 को 28 से कराया 2,80,000 आ गया। अब इनकी आप कॉस्ट निकाल लें, टोटल कर लें 8,90,000, 8,90,000। तो पता ये लगा कि जो 35,000 यूनिट बेचे गए हैं उनकी कॉस्ट है 8,90,000, ठीक है जी। अब ये बात करते हैं कि सर बिकने वाले यूनिट की बात तो आपने कर दी है, अब जो यूनिट बचे हैं, यूनिट बेचने के बाद जो एंडिंग पे बच गए हैं, अब उनकी क्या कीमत है, उनकी क्या कॉस्ट है। तो हेडिंग है कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंडिंग यूजिंग फीफो मेथड, ठीक है। अभी अभी आपने ये 10 वाले, ये 15 और इसमें से 10 आपने क्या कर दिए थे, बेच दिए थे, ठीक है, ये आपने बेच दिए थे। अब इनको बेच दिए थे, बेचने के बाद जो बच गए हैं, अब आप उनकी बात कर लें, बेचने के बाद जो बच गए हैं उनकी बात कर लें, तो कितने बच गए सर आपके पास, ये 10,000 चले गए, 15,000 चले गए और इसमें से आपके 10,000 चले गए थे, तो यहाँ से बचे 8,000, तो 8,000 यूनिट बचे इस लाइन में से, 12 ये बचे और 5 ये बचे, 8,000 यूनिट बचे, 12,000 यूनिट बचे और 5,000 यूनिट बच गए, ठीक है। अब इन यूनिट्स का टोटल कर लें, ये यूनिट्स आपके कितने बनने चाहिए, 25,000, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इनका टोटल आपके पास आ रहा है 25,000 के एंड पर जो यूनिट बचे हैं वो हैं 25,000। अब इनका भी रेट वही वाला यहाँ से उठाइए जो यहाँ पे हमारे शेड्यूल में लिखा है, ये जो 18,000 में से 18,000 में से 8,000 यूनिट हमने बचाए हैं यहाँ पर, इनका हर एक का रेट था 28,
12,000 जो यूनिट्स हैं उनमें से हर एक का रेट था 29, 5,000 में से जो हर एक यूनिट है उनका रेट था 30 रुपीज़, 30 रुपीज़ ये आ गया। ठीक है, अब इनको भी हमने क्या करना है, क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करवाना है। ये आ गया क्वांटिटी और ये आ गया रेट, मल्टीप्लाई हो गया तो ये अमाउंट हमारे पास आ गए। अब अमाउंट्स का टोटल कर लेते हैं, ये बना 7,22,000। तो हमें पता लग गया कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को अगर इस्तेमाल किया जाए तो बिकने वाले यूनिट्स की जो कीमत बनेगी वो 8,90,000 बनेगी। ठीक है, और जो बचने वाले यूनिट की कीमत बन रही है वो 7,22,000 बन रही है। ठीक है, हमारे लिए ये वाले कॉलम जो हैं वो आंसर हैं, समझ लें। ये वाले कॉलम 8,90,000 हमारे काम की चीज़ है और 7,22,000 हमारे काम की चीज़ है। ठीक है, तो ये तो था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंडिंग निकालने का फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मेथड, जिसमें शेड्यूल में से आपने यूँ समझ लें कि क्वांटिटी में से ऊपर ऊपर वाली क्वांटिटी को पहले बेचा है, ठीक है, और बाद वाली को बाद में बेचा है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो माल लास्ट का रखा हुआ है उसको पहले बिकते हुए दिखाना है, जो माल लास्ट में रखा हुआ है यहाँ शेड्यूल में उसको पहले बिकते हुए दिखाना है। तो कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूजिंग लीफो मेथड, तो लीफो मेथड में अब क्या करेंगे हम, लीफो में भी हमने 35,000 यूनिट बिकते हुए दिखाने हैं और 25,000 यूनिट बचते हुए दिखाने हैं। ठीक है, तो 35,000 जो हमने गिनती पूरी करनी है वो फर्स्ट पे से नहीं करनी है बल्कि लास्ट में से करनी है। अब 35,000 आपने बेचने, तो पहले ये लास्ट वाले 5,000 समझ लें आपने बेच दिए। ठीक है, पहले ये लास्ट वाले 5,000 यूनिट बेच दिए, फिर ये 12,000 वाला ऊपर समझ लें पैकेट पड़ा हुआ है 12,000 यूनिट का, इसको आपने बेच दिया, और फिर ये जो उसके ऊपर 18,000 यूनिट्स पड़े हुए हैं इनको आपने बेच दिया। यानी इत्तेफाक से क्या हो गया कि 5,000, 12,000, 18,000 ये यूनिट्स का जब टोटल कर लें तो ये बनता है 35,000। तो 35,000 पूरे के पूरे ही आपके यहाँ पर आ गए। ठीक है, 5,000, 12,000, 17,000, 17,000 और 18,000, 35,000। तो ये नीचे की तीनों लाइनें आपने समझ ली कि ये रिवर्स में बेचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट हो जाएगा। जो लास्ट में आए हैं वो पहले बिके, लास्ट में जो इन हुए हैं उन्हें पहले आउट किया गया है, बेचा गया है। अब इनका रेट भी वही वाला उठाएं, 5,000 का रेट 30 था, इनका 29 था, 12,000 का 18,000 का 28 था, 30, 29, 28, इसका रेट 30, इसका रेट 29 और इनका रेट 28। अच्छा जी, अब मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, तो ये सब इनके आते जाएंगे अमाउंट। अमाउंट्स का टोटल निकाल लें आप, ये आ गया 100,200, 100,200। तो फाइनली 35,000 यूनिट्स की कॉस्ट हम निकाल चुके हैं। अच्छा जी, 35,000 यूनिट की कॉस्ट ये है हमारी, ये हमारे काम की चीज़ आ गई 100,200। उसके बाद अब जो यूनिट बच गए हैं, देखें जब आप लास्ट वाले बेचना शुरू करते हैं तो फर्स्ट वाले बच जाते हैं, जब फर्स्ट वाले बेचना शुरू करते हैं तो लास्ट वाले बच जाते हैं। अच्छा जी, अब हम कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंडिंग यूजिंग लीफो मेथड। अब आपको याद है ये 5,000 यूनिट आपने बिकते हुए दिखा दिए, 12,000 बिकते हुए दिखा दिए, 18,000 बिकते हुए दिखा दिए, अब बचे कितने हैं, 10,000 यूनिट बचे हुए हैं 22 रुपये वाले, 15,000 यूनिट बचे हुए हैं 26 रुपये वाले, यही हमारे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंडिंग में आ जाएगा। सर 10,000 यूनिट पड़े हुए हैं हमारे पास और 15,000 यूनिट पड़े हुए हैं हमारे पास, 10,000 जो यूनिट पड़े हुए हैं उनमें से हर एक का रेट 22 रुपया है, और जो 15,000 यूनिट पड़े हुए हैं उनमें से हर एक का रेट है 26 रुपया। अब आप क्या कर लें, मल्टीप्लाई करा लें क्वांटिटी को, मल्टीप्लाई बाय रेट करा लें, तो ये अमाउंट हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंडिंग निकाल लेते हैं, यूनिट्स हमारे पास आ रहे हैं 25,000, जो कि बिल्कुल करेक्ट है कि एंड पे 25,000 ही तो बचे। अब उनकी कॉस्ट क्या बन रही है हमारे पास, वो बन रही है 6,10,000,
6,10,000। तो इसमें हमारे पास ये 6,10,000 काम की चीज़ है कि ये सर हमारे पास जो एंड पर इन्वेंट्री बच गई है ये उसकी कॉस्ट है, ठीक है, यूजिंग लीफो मेथड। और सर जो गुड्स बिक गई हैं लीफो मेथड के हिसाब से उनकी कॉस्ट ये है 100,200,000। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट हो गया। अब लास्ट मेथड की तरफ आते हैं, वेटेड एवरेज मेथड। तो कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड, कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंडिंग, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंडिंग, ठीक है, यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। अब वेटेड एवरेज मेथड एक ऐसा मेथड है, देखिए जी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में पहले वाला माल पहले बिका, जो बाद में आया वो बाद में बिका, ठीक है। और नॉर्मली होता क्या है कि पहले वाला माल अलग रेट पर होता है, पुराने रेट पर होता है, बाद में आया हुआ माल जो है नए रेट पर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर जो है वो पुराने रेट का माल बेचा जा रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट में लेटेस्ट माल को बेचा जाता है जो नई कीमतों पर आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में फर्स्ट कीमतों पर यानी कि पुरानी वाली कीमतों पर माल बेचा गया, और लास्ट इन फर्स्ट आउट में लास्ट जो लेटेस्ट कीमत वाला माल था वो बेचा गया। लेकिन वेटेड एवरेज मेथड के अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला और लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला ये दोनों इम्पैक्ट शामिल होते हैं, इसलिए इसको वेटेड एवरेज कहा जाता है, क्योंकि ये एवरेज रेट निकाल कर देता है और एवरेज रेट से बिकने वाले माल की कीमत निकाली जाती है और बचने वाले माल की कीमत निकाली जाती है, जिसमें फर्स्ट रेट का भी इम्पैक्ट शामिल होता है और लास्ट रेट्स का भी इम्पैक्ट शामिल होता है। दैट इज़ वाई हमें यहाँ पर सबसे पहले वेटेड एवरेज रेट निकालना पड़ेगा, यानी फर्स्टली वी विल कैलकुलेट द वेटेड एवरेज रेट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वेटेड एवरेज रेट। तो रेट कैसे निकाला जाएगा, रेट निकालने का तरीका ये है कि सर टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, जो आपने शेड्यूल बना के रखा हुआ है अपने पास, उसमें अगर आप गौर से देखेंगे सर आपके पास टोटल कितने क्वांटिटी थी, तो सर आप कहेंगे 60,000 टोटल क्वांटिटी थी, और उन सब का अमाउंट टोटल कितना था, 16,12,000। यानी हम ये कह सकते हैं 16,12,000 रुपये, 16,12,000 रुपये के हमारे पास 60,000 यूनिट्स पड़े हुए थे। तो अगर मैं एक की कीमत एवरेज निकालना चाहूँ तो टोटल कॉस्ट 16,12,000 को मुझे ऊपर रखना है, रेट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट यानी कि 16,12,000 को मैंने ऊपर रखना है, और टोटल यूनिट्स, टोटल यूनिट जो हमारे हैं 60,000, 60,000 उसको नीचे रखना है। तो अब ये देखते हैं कि रेट कितना आता है हमारे पास, सर 16,12,000 डिवाइडेड बाय 60,000, 26.86 लिख देते हैं सर, 26.86। तो ये जो रेट है ये ना पुराने यूनिट्स का है ना ये नए यूनिट्स का है, बल्कि उनके रेट का एवरेज है, समझ लेंगे, ठीक है। तो हर एक की कीमत 26.86 से लगाई जाएगी बाय यूजिंग द वेटेड एवरेज मेथड। अब हम निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है जी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हम यहाँ फार्मूला लगाते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है, COGS शॉर्ट में लिख रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। तो यूनिट्स जितने आपने सोल्ड कर दिए हैं उनको मल्टीप्लाई करा दें आप अपने रेट से, जो वेटेड एवरेज रेट आपने निकाला है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो सर यूनिट सोल्ड आप बता देंगे, यूनिट कितने बेचे हैं आपने, सर यूनिट तो 35,000 बेचे थे। अच्छा जी, तो हर एक का जो रेट हमने निकाला हुआ है कि उसकी कॉस्ट क्या थी एवरेज, 26.86। अब आप इनको मल्टीप्लाई करा दें, आपका जवाब आ गया। तो सर मैं 35,000 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 26.86, तो ये आएगा 9,40,100, 9,40,100
100. सो दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड बाय यूजिंग द वेटेड एवरेज मेथड। और इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए अब मैं आगे बढ़ूंगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंडिंग निकालूंगा। ठीक है, इन्वेंट्री एंडिंग की कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है जी, जिस तरह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बनाया था, तो इन्वेंट्री एंडिंग निकालनी है मुझे, तो मुझे यूनिट सोल्ड नहीं, यूनिट्स जो एंडिंग पे पड़े हुए हैं वो चाहिए, और मल्टीप्लाई बाय द सेम रेट, क्योंकि वेटेड एवरेज रेट का मतलब यही है, बिकने वाले माल की कीमत भी उसी रेट से निकाली जाएगी और बच जाने वाले माल की कीमत भी उसी रेट से निकाली जाएगी। तो इन्वेंट्री एंडिंग की जो कॉस्ट है, तो उसके लिए यूनिट्स एंडिंग, यानी कि यूनिट्स एंडिंग पे थे 25,000, और उनमें से हर एक का जो एवरेज रेट हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं वो था 26.86। तो इन्वेंट्री एंडिंग सर 25,000 मल्टीप्लाई बाय 26.86 671 500 671 500। तो सर ये हमारा आ गया जवाब वेटेड एवरेज मेथड से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ गई और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंडिंग भी आ गई। ठीक है जी, अब बिल्कुल लास्ट स्टेप पर आ गए हैं, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट पे। देखें जी, इनकम स्टेटमेंट अगर आपने बनाना होता है तो उसका मतलब ये होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है सेल्स रेवेन्यू। ठीक है जी, सेल्स रेवेन्यू यहाँ निकाल लेते हैं। सेल्स रेवेन्यू का मतलब ये है कि आपने कितने यूनिट बेचे। सर बेचे तो 35,000 यूनिट है हमने, और एक की सेलिंग प्राइस क्या थी? एक की सेलिंग प्राइस ये थी 30 रुपीज़। ठीक है, ना कि ये वाली कॉस्ट जो मैं शुरू में कह रहा था, ये 30 रुपया पर यूनिट सेलिंग प्राइस है, यानी 35,000 यूनिट बेचे और हर एक को आपने 30-30 रुपये में बेचा है। तो सेल्स रेवेन्यू अगर आपने निकालना है तो आपको क्या करना होगा, 35,000 को मल्टीप्लाई कराना होगा 30 से, ये आ जाएगा 10,50,000। तो ये है आपका सेल्स रेवेन्यू। अब आपने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में भी कंपैरेटिव का मतलब ये है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ हमें, लास्ट इन फर्स्ट आउट के तहत कितना हुआ, अगर हम वेटेड एवरेज यूज़ करें तो उसके तहत कितना हुआ। तो सबसे पहले तो सेल्स आप लिख दें 10,50,000। सेल्स का कोई फीफो लीफो वेटेड एवरेज नहीं होता, सेल सब में सेम ही होती है, फ़र्क होता है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का होता है, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेपरेट कैलकुलेट होती है, लीफो से सेपरेट कैलकुलेट होती है और वेटेड एवरेज से सेपरेट कैलकुलेट होती है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जाके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को उठाना है, जो कि ये रही 8,90,000, और उसको माइनस करवा देना है। लास्ट इन फर्स्ट आउट में जाकर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को उठाना है, 100 200 को माइनस करा देंगे, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, और वेटेड एवरेज में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 940 100, इसको भी माइनस करा देंगे 940 100। अब जब आप अपने सेल रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कराएंगे तो यहाँ बचता है 160,000 का ग्रॉस प्रॉफिट, और लास्ट इन फर्स्ट आउट में बचता है 48,000 का ग्रॉस प्रॉफिट, और वेटेड एवरेज में बचता है 109,900 का ग्रॉस प्रॉफिट। सो बच्चों, ये है हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने तमाम चीज़ें डाल दी हैं, जिसके अंदर फीफो लीफो वेटेड एवरेज कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें मैंने मिला दी हैं, इसको अच्छी तरह देख लीजिए। इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक की तरफ लेके जाएंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।